अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया, ये है सदफ। और आज हम जिस सवाल की बात कर रहे हैं वो किसी भी होम मेकर के लिए बहुत इरिटेटिंग होता है, और जो है कि पूरा दिन करती क्या हो। तो सदफ, आप पूरा दिन क्या करती हैं? अगर मैंने ये बता दिया कि मैं पूरा दिन क्या करती हूँ तो सब वो करने लगेंगे, फिर मेरी सारा सीक्रेट आउट हो जाएगा। ये हमें सवाल आया था एक खातून का, एंड वी थॉट इट वाज वेरी रेलेवेंट। इस जो रोल को आप होम मेकर कह सकते हैं, आप पाकिस्तान में टिपिकली हाउसवाइफ कहा जाता है, मगर वो थोड़ा सा इस लिहाज से अब इनकरेक्ट है क्योंकि एक तो वो एक बहुत ही डोरमेंट सिचुएशन आपकी दिखाता है, दूसरा ये कि ये हस्बैंड भी हो, लाइक हस्बैंड भी हो सकता है, इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रोल। इसको होम मेकर कह सकते हैं, अगर आपके बच्चे नहीं हैं आप फिर भी घर पे हो सकते हैं, और या इसको स्टे एट होम पेरेंट कहते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि अगर आपके यू नो इट डिपेंड्स ऑन कि आपके बच्चे हैं या नहीं। बट ये जो रोल है कि जो एक बंदा यू नो द पर्सन हु होल्ड्स द फोर्ट, राइट, द पर्सन हु इज एट होम, उनसे कई दफा पूछा जाता है कि करती क्या हो पूरा दिन। तो ये मुझसे खातून ने हमें एक सवाल भेजा और उन्होंने हमसे कहा कि ये सवाल मुझे आता है और मैं इसका कैसे जवाब दूं। अच्छा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सवाल है ये बहुत ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, और इस टॉपिक ने जितना मेरा जीना हराम किया है उतना किसी ने नहीं किया, और दो इन बोथ वेज, एक तो यही कि दुनिया वालों ने पूछ पूछ के, और एक दूसरा इन माय ओन हेड इसी सवाल ने कि क्या ये सही फैसला था, नहीं था, ये मैंने क्या करी हूँ, मेरी जिंदगी का कीमती टाइम गुजरा जा रहा है। मैंने इस सब्जेक्ट के साथ इतना स्ट्रगल किया, एंड आई फील अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दैट आई एम ऑन द अदर साइड, बट टुक मी मैनी मैनी ईयर्स, एंड आई होप टू गॉड कि मैं आज जो भी अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूंगी इट विल हेल्प अदर वुमेन। ओके, एंड आई विल से कि आई एम जस्ट एन एवरेज मिडिल क्लास पाकिस्तानी लड़की, ठीक है। तो हमारे घर में यही था कि भाई अच्छी जिंदगी गुजारने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप पढ़ लिख जाएं, आप अच्छे स्कूल से पढ़ें, आप अच्छे कॉलेज में जाएं, और इसके बाद तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, और इसका मतलब वो अच्छी जिंदगी की गारंटी है, और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का लेबल लग जाए तो आपका फ्यूचर बन जाएगा, ठीक है। और इन माई फैमिली तो ये तो हर रेगुलर पाकिस्तानी मिडिल क्लास हर फैमिली ऐसा ही होती है, ज़्यादातर पाकिस्तानी एशियन लोग के पढ़ाई लिखाई और बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमारी फैमिली में एक्सेप्शनली ये था कि औरतों की पढ़ाई पे बहुत शदीद जोर था, तो मेरे तो सारी मेरी पेरेंट्स की जनरेशन में भी सारी औरतें काम करती थी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ये फैसला किया कि मैं स्टे एट होम मॉम बनूंगी तो इट डिडंट कम ईजी फॉर नॉट एट ऑल। एक्चुअली मुझे लगता था कि मैं अपनी बहुत से फैसलों के लिए बहुत ही शदीद ना गिल्टी और इनसिक्योर फील करती थी, मुझे अपना आप कमतर लगता था। उसकी वजह यह है कि मुझे हर कोई ये कहता था कि मुझे इतने साल बाद अपना एक क्लास फेलो मिला, उसने मुझसे कहा फायदा क्या हुआ तुम्हारे सारी उम्र क्लास में फर्स्ट आने का, बैठ के अपने दोनों बच्चों को होमवर्क ही करा रही हो, या आपके घर वाले आपसे ये बोले कि हाँ तुम लोगों का एडमिशन तो ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी में हुआ वहाँ लोगों के लड़कों का नहीं होता, ठीक है, तुम लोगों ने अपनी डिग्री ज़ाया कर दी। तो मेरे जहन में ये था कि जो है ना बस पढ़ाई लिखाई हुई बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि पाकिस्तानी सोसाइटी स्पेशली हम लोग जो हैं वो औरतों को ना बहुत ज़्यादा हर्फ एंड मौला समझते थे। हम समझते थे कि हम शादी से पहले अच्छे भी हों, प्यारे भी हों, ताकि हमारे रिश्ते भी आएँ, हम क्लास में भी फर्स्ट आएँ, हमें गाड़ी भी चलानी आती हो, फिर हम शादी के बाद बहुत अच्छी बीवियाँ बहुएँ बने, पे हमारे फौरन बच्चे पैदा हो जाएँ तो हम बहुत अच्छी माएँ बने, अब उनकी इस्लामी तालीमात भी हों, वो उनको अच्छे स्कूल में भेजें, लेकिन हम नौकरियाँ भी करें। तो ये जो है ना दिस इज़ नॉट अ फिल्म, ये कोई इंट्रो नहीं है, ये हमारी रियल लाइफ है, ये कोई इंट्रो नहीं है कि माधुरी दीक्षित का इंट्रो हो रहा है तो आप उसको, ये जूही चावला का पुराने जमाने में 90s में तो आप उसको एक परफेक्ट औरत दिखा रहे हैं, इस तरह रियल लाइफ नहीं होती। एंड वन पर्सन इन रियल लाइफ कैन नॉट डू एवरीथिंग। आई हैव ट्राइड, ट्रस्ट मी, इन माई जर्नी आई हैव बीन अ कम्प्लीट स्टे एट होम मॉम, आई हैव बीन अ कम्प्लीटली वर्किंग वुमन विद टू चिल्ड्रन, आई हैव बीन अ फुल टाइम स्टूडेंट एंड आई हैव बीन अ पार्ट टाइम स्टूडेंट ऑल्सो, आई हैव बीन पार्ट टाइम वर्किंग ऑल्सो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना ख्यालात वो आपके जहन में होती हैं, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं, बहुत लोगों ने जब मुझसे बोला कि तुमने क्या किया अपने आप को ज़ाया कर दिया है, तुम तो इतनी जहीन हो, तुम्हें इतनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस दी, तुमने तो अगर नौकरी नहीं करनी थी तो यूनिवर्सिटी में क्यों गई, तुमने एक सीट ज़ाया कर दी, इस किस्म की बहुत बातें हुई। मगर मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइनली ऐसा लगता था कि जब मैं अपने बच्चे पैदा होने से पहले जो है वो काम करती थी, जबकि मैं इसको आई कैन नॉट डू दिस, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, ये डेके नहीं जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बहुत करम है कि आपके हालात ऐसे हों कि आप सिंगल इनकम फैमिली में जी सकें,
लेविश लाइफ नहीं, हम कोई महंगे कपड़े नहीं पहनते थे, महंगी गाड़ी नहीं चलाते थे, सालों सालों वेकेशन पे नहीं जाते थे, बजट करके जीते थे, बहुत ज्यादा वो नहीं करते थे कि ईट आउट कर रहे हैं, अपने आप से बाहर है, मगर हम बहुत अच्छे बहुत हैप्पी लाइफ गुजारते थे। ये मुझे लगा कि ये अल्लाह का बहुत करम है, लग्जरी है, सो आई कैन अफोर्ड टू बी स्टे एट होम मॉम। और मैंने इस चीज से इतना स्ट्रगल किया एंड देन आई थिंक इट ऑल बॉइल्ड डाउन टू द फैक्ट कि मैं पैदा एक लड़की भी थी, बट आई वॉज रेज लाइक अ बॉय, बट आई वॉज एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक अ मदर व्हेन आई हैड चिल्ड्रन। इट टुक मी अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम टू कम टू टर्म्स विद माई जेंडर कि जो बच्चा मैंने पैदा किया है मैं उसकी प्राइमरी केयर गिवर हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैंने पैदा किया है तो मैं इंट्यूटिवली मोर इंट्यून्ड हूँ उसकी नीड्स के लिए एज अ बेबी, और चूंकि वो मैंने पैदा किया है तो मेरी बॉडी को टाइम चाहिए और मेरे दिल और दिमाग को टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। और मुझे ऑफकोर्स अगर कुरान और सुन्नत और दुनिया वाले जो है वो माँ की मोहब्बत की मिसाल दे रहे हैं और बाप की नहीं दे रहे, तो इसका मतलब कि ऑफकोर्स माँ को अपने बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत है, तो वो नहीं छोड़ सकती अपने बच्चे को, उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि एज लॉन्ग एज औरतें बच्चे पैदा करती रहेंगी और कोई ऐसा बायोलॉजिकल इन्वेंशन नहीं होगी कि के मर्द बच्चे ना पैदा कर सकें, तो चाइल्ड केयर हमेशा औरतों का प्रॉब्लम रहेगा। और औरतों को हमेशा लड़कियों को ये सिखाना चाहिए कि तुम कभी, ये बात मुझे नहीं सिखाई गई थी कि कभी जिंदगी एक से नहीं रहती, हम मैं ये समझती थी कि बस हम पढ़े लिखे नौकरियों के शादियों की जिंदगी जो है वो बदलती जाती है, जब जिंदगी बदलती है उसके साथ मैं बदलती हूँ हालात के साथ, और जब आप हालात बदलते हैं और आपकी सोच बदलती है, आप मैच्योर होते हैं, जिंदगी नए प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़ी करती है, आप उस वक्त उस हिसाब से फैसला करते हैं। तो इस सवाल से डील करने के लिए कि तुम सारा दिन क्या करती हो, बहुत बहुत अपने अंदर ना एक बहुत ही शदीद अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, बिकॉज जो सामने वाले ये सवाल पूछता है ना वो एक्चुअली खुद अपनी इतनी इनसिक्योरिटीज का मारा हुआ होता है कि वो उसके अंदर आप जब आप एक हैप्पी और सिक्योर स्टेट होम मॉम बनने का फैसला करते हैं और आप ट्रिगर नहीं होते ना तो अपने अंदर, तो आप एक्चुअली सामने वाले के अंदर कुछ ट्रिगर कर देते हैं कि ऐसा कैसे है कि इसको इस बात का एहसास नहीं है और ये इस मसले में नहीं फंसी हुई, विच इज़ एक्चुअली अ जर्नी। सो इट्स मोर अबाउट देम एक्चुअली एंड इट्स नॉट लेस अबाउट यू। यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर साइकी टू गेट टू अ पॉइंट वेयर यू थिंक कि एक वक्त था जब मैं, जब अच्छी स्टूडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैं अच्छी स्टूडेंट थी, और एक वक्त था जब जॉब करना इंपॉर्टेंट था अपनी सीवी बनाने के लिए जिंदगी को, और मैंने वो किया, और अब ये वक्त है कि इस इन ह्यूमन बींग्स को मेरी ज़रूरत है। एक वक्त आएगा कि जब ये लोग बड़े होंगे, स्कूल जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो गए, मेरी जिंदगी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, तो मैं उसमें अपने आप को रीइन्वेंट करूंगी। तो जिंदगी एक सी नहीं रहती, तो जब जिंदगी एक सी नहीं रहती तो ये सवाल भी बदलेगा। तो इस वक्त अगर आप ऐसे लाइफ के ऐसे सीजन में हैं कि लोग आपसे ये सवाल करें, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप उन ये सवाल छोड़ के अपनी इंटरनल काउंसलिंग करें कि आप के अंदर ये सवाल क्या, व्हाट डू यू फील व्हेन समबडी आस्क्स यू दिस क्वेश्चन। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि जब तक आप खुद इससे इनर, इस सवाल से आप खुद एट पीस नहीं होंगे। मैं और सदफ हमेशा डिस्कस करते हैं कि हम बहुत सारी लड़कियों को जानते हैं जो जॉब कर रही हैं मगर वो उससे नाखुश हैं, वो घर रहना चाहती हैं। बहुत है जो घर रहना चाहती है मगर वो जॉब करना चाहती है। तो कई लोग होते हैं वो बड़े एक इस टर्मोइल का शिकार रहते हैं, ये बड़ा नेचुरल है, खासतौर पे अगर आपके बच्चे हों और आप उनके, तो सबसे पहले आपने जो भी जिंदगी में डिसीजन लिया यू हैव टू बी एट पीस विद इट योरसेल्फ। सो अगर आपने एक फैसला किया है कि आप एक होम मेकर हैं, आप घर पर रहती हैं, तो इस बात को तो सबसे पहले तो आप ये सवाल से कि आप पूरे दिन क्या करती हैं, दूसरा तो बंदा आपसे एक चुभने वाला सवाल पूछ लेगा, लेकिन आपने अगर आपने इस डिसीजन से एक यू नो यू आर एट पीस विद इट, सो आप बड़े आराम से उनको बता सकते हैं कि यू नो आई एम अ होम मेकर, आई एम अ स्टे एट होम पेरेंट, मैं घर को चलाती हूँ, आप कह सकते हैं मैं आई एम सीईओ ऑफ माय हाउस। यू नो देयर आर मेनी फनी वेज टू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन, कि इस तरीके से आप उस बंदे को जवाब दें कि वो बंदा जो है खुद हो सकता है कि शायद थोड़ा सा खुद भी शर्मिंदा हो जाए, या आप इस एक ह्यूमर इज द बेस्ट वे टू डील विद एनी सिचुएशन, राइट। सो आप कह सकते हैं यू नो आई एम द सीईओ ऑफ माय हाउस, आई एम द बड़ा एक व्हाट्सएप पे घूमता है कि उस अरब लैंग्वेज में जो एक स्टेट होम मदर होती है उसको पता नहीं क्वीन ऑफ द हाउस कहते हैं। तो यू नो जो भी लव्स जिससे आपको खुशी हो आप वो इस्तेमाल करें। और ये भी डिपेंड करता है कि पूछने वाला कौन है। अगर ये पूछने वाला आपका कोई ऐसा कोई बंदा है जैसे आप एक दावत में मिली है, यू नो तो मे बी वो वाली जैसे सदर ने बात की कि यू नो आप एक इनर अगर आपका एक है तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। बट कई दफ़ा ये सवाल आपके करीब के लोग भी आपसे पूछेंगे और वो आपको बहुत हर्ट करेगा। हो सकता है आपकी अम्मी आपसे ये सवाल पूछें, आपके अब्बू आपसे ये सवाल पूछें, बिकॉज उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस और थी, तो उस पर भी आते हैं। हो सकता है आपके बहन भाई आपसे पूछें, और सबसे ज़्यादा आपको चिढ़ जब होगी जब
आपका मियाँ आपसे ही सवाल पूछेगा. तो ये वो वाले लोग हैं जो, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी बात से आपका मूड इफेक्ट होता है. सो मे बी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम कि आप, मैं इस वक्त, जैसे सदत ने कहा कि जिंदगी बदलती है इन दिस फेज ऑफ माई लाइफ. ठीक है, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी मुझसे एक्सपेक्टेशन थी, बट इन दिस फेज ऑफ माई लाइफ आई एम अ मदर और मैंने ये डिसीजन लिया है, मैंने और मेरे मियाँ ने, इन द इन आर लाइफ के हम इस वक्त, मैं बच्चों के साथ घर पर हूँ और मैं इससे बहुत खुश हूँ. और अगर वो दोबारा पूछे तो क्या आपके ये सवाल पूछे से मुझे जरा थोड़ी तकलीफ होती है, आप बिल्कुल उनको ये बात बता सकते हैं और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ, आइए कोई और बात करते हैं. ठीक है ना, क्योंकि ना आपके घर का खर्चा किसी और ने चलाना है, ना आपके बच्चों का ख्याल किसी और ने आके रखना है, ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है. तो ये तक आप कर ले. मैं इसकी एग्जाम्पल दूंगी कि जो मेरे अम्मी अबू हैं उनके लिए ये बात बड़े बहुत अरसे तक उनको ये हजम नहीं होती थी कि जो उनकी बेटी है जिसने इतना पढ़ा लिखा वो अब घर पर है. तो मेरे अबू मुझे ऐसे कह देते थे ऑफ हैंड, तुम ना PhD कर लो. एक उनको ये लगता था कि ये घर पे क्या करिए, चलो तुम PhD. दे डिड नॉट रियलाइज इट. आई फील लाइक कई मेरी शादी के बड़े साल बाद, आई थिंक 8-9 साल हो गए थे, और वो नॉर्थ अमेरिका जब आकर रहे तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ है कि यहाँ बच्चे पालना कितना मुश्किल काम है. बिकॉज उन वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे थे, उन्होंने पाकिस्तान में देखा था जब हेल्प होती थी, एक बना बनाया बच्चा उनको पकड़ा दिया जाता था. ही डिड नॉट रियलाइज इट के डे टू डे यहाँ बच्चों की तरबियत भी आपने खुद करनी है. जैसे जो भी अब आपने, अगर यू नो आई एम सेइंग कि ये आपकी भी बहुत पर्सनल डिसीजन है, लेकिन अगर आपने ये फैसला कर लिया है, अगर आपका मियाँ ही आपसे बात करता है जो एक इंसान आपके साथ इक्वल पार्टनर है इन पेरेंटिंग, तो यहाँ एक कॉन्वर्सेशन आपके रिलेशनशिप की आ जाती है. बिकॉज ये डिसीजन एक ऐसी है, बिकॉज यू हैव टू म्यूचुअली रिस्पेक्ट ईच अदर, कि अगर आपका मियाँ इस वक्त प्राइमरी अर्नर है तो फिर आप प्राइमरी केयर गिवर हैं, राइट? सो देन बोथ ऑफ यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स रोल. सो मे बी दैट इज अ कॉन्वर्सेशन जो एक आपका कम्युनिकेशन गैप है. बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि मेरा मियाँ बच्चों की बेबी सिटिंग कर रहा है. नहीं, वो बेबी सिटिंग नहीं कर रहा, वो पेरेंटिंग कर रहा है. अगर माँ पूरे दिन बच्चों का ख्याल रखती है और वीकेंड के ऊपर यू नो शी वॉन्ट्स टू गो ऑन अपनी दोस्तों के साथ, तो उसका मियाँ बच्चों की बेबी सिटिंग नहीं कर रहा, वो पेरेंटिंग कर रहा है. तो अगर आपका मियाँ आपसे यह सवाल पूछता है कि तुम पूरे दिन क्या करती हो, तो बहुत दफ़ा सदा तुमने वो देखा होगा लोग वो फॉरवर्ड करते हैं यू नो, जिसमें वो सारे रोल्स बताते हैं कि अगर कुक को हायर करें और ड्राइवर को हायर करें, ये करें. बट यू नो, ये वो वाली बात है कि जब तक आप उन चीज़ों को खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगी कि आई गिव माई चिल्ड्रन अ होम कुक्ड मील, मेरे बच्चों को मैं पिक एंड ड्रॉप करती हूँ एक सेफ एनवायरमेंट आफ्टर केयर, जैसे जो स्कूल के बाद होती है आप जब उनके, तो वन वे इज़ यू नो यू जस्ट पुट अ डॉलर वैल्यू टू इट, यू नो कि यू आर सेविंग ऑल दिस मनी. But another thing is that you give value to it yourself. And then, जो आप energy और vibes आप permit करेंगे ना, अगर आप ही unsatisfied हैं, आप ही frustrated हैं, तो इर्द-गिर्द के आपके लोगों में भी वही frustration आएगी. आप अपने अंदर वो zen feeling लाएं, आप अपने घर में वो peace जब permeate होगा, तो आपके इर्द-गिर्द के लोगों में भी ये एहसास होगा. अच्छा, ये जो बात है ना कि ये सवाल आप सब पूछा किसने, कि आप, कि तुम सारे दिन करती क्या हो, मुझे लगता है कि ये सवाल दो सोर्सेस से आ सकता है. पहला सवाल तो, पहली सोर्स तो ये है कि वो आपका मियाँ कह रहा है, या दूसरी सोर्स ये है कि कोई दूसरी औरत जो एक्चुअली काम करती है, एक वर्किंग वुमन, एक हाउसवाइफ से बोले कि तुम सारा दिन करती क्या हो. अच्छा, तो वर्किंग, तो पहला तो जो ये हम हस्बैंड से डील करते हैं, ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि क्या इशू है कि वर्किंग वुमेन, बोथ साइड्स ऑफ वर्किंग मॉम्स लुक डाउन ऑन होम मेकर मॉम्स एंड होम मेकर मॉम्स लुक डाउन ऑन वर्किंग मॉम्स. ठीक है, तो ये तो हम बाद में, अभी पार्ट बी है. पार्ट ए ये कि अगर आपका मियाँ आपसे कहता है ना, आई थिंक जिस लड़की बेचारी ने हमसे सवाल पूछा था उसने यही बोला था कि मेरे मियाँ शाम को घर आके कहता तुमने सारा दिन करती किया क्या आज. तो मैं ये कहती हूँ कि एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम्युनिकेशन गैप है जिसको ब्रिज होने की बहुत ज़रूरत है. बिकॉज मैं जेन्युइनली, चूँकि बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंसड एवरीथिंग, तो मैं जेनरली इस बात पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं तब फुल टाइम जॉब भी किया जब मेरे बच्चे नहीं थे, और मैंने तब फुल टाइम जॉब भी किया जब मेरे बच्चे थे, कि हर किसी को ना अपनी स्ट्रगल का पता होता है, सामने वाले का नहीं पता होता. और तो फॉर एग्जांपल कि अगर किसी औरत ने, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है बट एक्चुअली ट्रू, कि अगर आपने जॉब नहीं की, आपने, आपकी यूनिवर्सिटी खत्म हुई और आपकी शादी हो गई और आपका फॉरन बच्चा हो गया, आपने कभी 2 महीने भी लग के जॉब नहीं की, तो आपको नहीं अंदाजा कि जॉब करना कितना मुश्किल है. और सुबह उठ के और तैयार होके जाना और वहाँ 50 लोगों की बदतमीजियाँ डील करना और पॉलिटिक्स से डील करना और डेडलाइंस होना क्या है, आपको नहीं पता. सो यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट. एंड एट द सेम टाइम जो आपका मियाँ है वो तो कभी घर बैठा ही नहीं, उस पर हमेशा वो, चूंकि वो पाकिस्तानी मर्द है, उस पर प्रेशर था कि भाई तुम कमाओ. तो बहुत से लड़के तो जो हैं वो और जॉब शुरू कर देते हैं अपने अंडर ग्रेड में, इंटर मैट्रिक में, और फिर वो जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है फुल टाइम जॉब लग जाते हैं. तो उनको, उनके जहन में बार बार ये होता है कि कोई घर बैठा मर्द जो है वो डेरोगेटरी बात है, मर्द लोग घर नहीं बैठ सकते, उन्हें कमाओ पूत होना चाहिए.
सो उनको नहीं पता कि घर बैठना जो है वो क्या होता है. एंड ऑफकोर्स द फैक्ट कि पाकिस्तानी मर्दों को नील बटा सन्नाटा अंदाजा होता है कि घर में कितना काम होता है, बिकॉज अपनी माओ के राजा बेटा होते हैं, उनको हर चीज़ करी कराई मिलती है, उनको रातों खाना पका हुआ मिलता है, उनको कभी किचन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आवाज़ लगाते हैं कि अरे चाय ला दो, अरे पानी ला दो उनको, या बाथरूम से तौलिया पकड़ा दो उनको, तो जूते पॉलिश हुए और कपड़े इस्तरी तक किए मिलते हैं. जब आदमी ने कोई काम किया ही नहीं होता उसको अंदाजा नहीं होता कि घर चलाने में कितना ज्यादा काम लगता है. तो मुझे लगता है कि इसको ना पर्सनली ना लें, क्योंकि जिस आदमी ने जब कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि तो वो तो उसको पता ही नहीं कि इसकी स्ट्रगल क्या है, उसको मालूम नहीं है. तो आराम से एक्सप्लेन करें कि मेरा सारा दिन लग जाता है, मैं बहुत थकी होती हूँ. या इसमें बहुत ही फनी फॉरवर्ड भी है कि यू नो व्हाट यू डू ऑल डे में, एक दिन एक औरत ने घर का कोई काम नहीं किया और शाम को जब उसका मम्मी आया उसने देखा कि बच्चे भी गंदे हैं और घर नीचे कुकी के क्रम्स पड़े हैं और सिंक में डिशेज उबल रही हैं और खाना नहीं पका हुआ और वो भी गंदी बैठी है और बच्चों का होमवर्क भी नहीं हुआ था. अब मियाँ बोलेगा तो आप मियाँ से बोलेंगे जो आप पूछते थे ना कि तुम सारा दिन क्या करती हो, आज बस मैंने वो नहीं किया. ठीक है, मगर द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि किसी भी इशू को, मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी इशू को ना मियाँ बीवी के बीच में ऐसे मत उठाया करें जिससे लड़ाई हो जाए और ताल्लुक खराब हो, बिकॉज दे तो फिर तो बात ही बेकार हो गई. मियाँ बीवी का ताल्लुक ना कभी खराब नहीं होना चाहिए किसी भी इशू को लेके, बिकॉज आप जो है ना वो एक लाइक आप एक एटम होते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सोसाइटी का और अपना खानदान बनाने का. तो आप अपने मियाँ से बोलें कि बहुत टाइम लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल संडे का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, भाई आज मेरी छुट्टी है, ठीक है, आप बच्चों को नाश्ता कराएं, इसका मुंह धुलाएं, इसकी पॉटी धुला दें, जाके ये सामान लेके आए, इसको यहाँ ले जाएं, ये काम करें. बाद में एंड में किसी दिन मियाँ से इतना काम कराएं संडे वाले दिन कि उनसे बोले कि यू नो व्हाट, आप दिस वाज अ डे इन माय लाइफ, अ ट्रेलर. क्योंकि ना किसी को फौरन तो नहीं अंदाजा होगा, ऐसे बहुत से संडेज होंगे जब वो थोड़ा थोड़ा काम करेगा तो उसको अंदाजा होगा कि आप सारा दिन क्या काम करती हैं. तो अगर किसी ने फौरन ये छूटते पूछ लिया कि तुम सारा दिन करती क्या हो, तो इसमें मुंह बना के तो इसको फौरन ये अपनी जात का सवाल या निशान ना बना लें कि मेरी तो एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन हो गया है कि अगर मैं हूँ कि मेरी जात जो है वो इस घर में इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं नहीं होंगी तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, घर चलता रहेगा और ये इन्होंने ऐसे पूछ लिया बिकॉज आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट. इसको इतना पर्सनली ना लें. दूसरी बात यह कि आपको भी अच्छे तरीके से पता है, हम सबको पता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और अगर आप भी एक हफ्ता एक महीना जॉब करेंगी तो उसके बाद आपको लगेगा कि यू नो व्हाट जो कि इट वाज प्रोबेबली इजियर टू स्टे एट होम, बिकॉज घर में तो फिर आप क्वीन होते हैं, वो आपकी डोमेन होती है, आप मैनेज करते हैं. बाहर तो जो लोगों की गंदी पॉलिटिक्स और हजार जो ऑफिस के मसाइल होते हैं वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है. इसलिए तो अगर ये सवाल आपके मियाँ की तरफ से आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलेंगे कि देखिए मैंने खाना पकाया, मैंने बच्चों के कपड़े धोए, मैं लेने गए, मैंने किया, और उसके बाद क्लिक समझ आ जाएगी. ऐसा नहीं होता, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आता है. तो मियाँ के हवाले से तो मैं ये कहूँगी. दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि ये इशू तब तक सोसाइटी में ख़त्म नहीं होगा जब तक औरतों की आपस में जंगें ख़त्म नहीं होंगी. देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ मॉम्स हु कीप ऑन हेटिंग ऑन ईच अदर. जो स्टे एट होम मॉम्स हैं वो अपने अंदर की, बिकॉज बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, और आपकी कोई एडल्ट कॉन्वर्सेशन नहीं होती, आपको लगता है कि आप ट्रैप हो गए हैं और आप एक साइकिल में, और आप खाना पका रहे हैं, पोटियाँ धुला रहे हैं, सुला रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं. और मैं ये समझती थी कि या अल्लाह ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैं तो मासी बन के रह गई, मेरी सेल्फ वर्थ जीरो हो गई. तो जो बट यू हैव टू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, सो देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि देखो मैं उस माँ से तो बहुत बेहतर हूँ, उसका बच्चा तो डे केयर में जाता है, उसका बच्चा तो आया पाल रहा है, नैनी पाली, वो तो बीमार बच्चे को डे केयर में छोड़ के चली जाती है, मेरे बच्चे तो यू नो यू हैव दिस, यू फाइंड दिस वे टू लुक डाउन अपॉन द अदर पर्सन बिकॉज यू हैव टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ. ऑन दी अदर हैंड जो वर्किंग मॉम्स होती हैं उनको इंतहा ज़्यादा गिल्ट होता है. सुबह सर्दी में उठे, जैकेट पहनाए, सोते हुए बच्चे को उठा के डे केयर में ड्रॉप किया, बच्चा रो रहा है, ठीक है, या बच्चे की तबीयत खराब है, या आपको ये टेंशन है कि ओ माई गॉड अगर ये आज घर रह गया तो मेरी तो मीटिंग है, या मेरी तो डेड लाइन है, एंड आई कैंट अफोर्ड टू बी होम, या ये कि आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि दूसरी मॉम्स प्ले डेट्स कर रही हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रही हैं, ब्रंचेज में मिल रही हैं, उनके अपने बच्चे के साथ फन है, और आपको लगता है कि वो देखो जरा मैं यहाँ ऑफिस में बैठी हूँ, मैं अपने बच्चे को छोड़ी, और तो उसके बाद उन्हें लगता है फिर देन दे हैव टू फील बेटर अबाउट आर देमसेल्व्स, राइट. तो वो क्या सोचती हैं कि देखो मैं अपना दिमाग इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने अपने आप को वेस्ट नहीं किया, बच्चे तो पल ही जाते हैं, ठीक है, और मैं हम टू इनकम फैमिली हैं, मेरी वजह से हमारी फैमिली का
स्टेटस एलिवेटेड है, वी कैन अफोर्ड थिंग्स फॉर आर चिल्ड्रन, वी कैन अफोर्ड एक्सपीरियंसेस फॉर आर चिल्ड्रन, वी कैन बिल्ड अ हाउस फॉर आर चिल्ड्रन, दो जो दूसरी माई नहीं कर सकती. यू नो वट, ये दोनों मॉम्स जो है वो एक दूसरे पर बहुत हेट करती हैं, एंड इसमें बहुत ही पैसिव अग्रेसिव जो है वो टेंशन के करंट्स हैं. यू नो बोथ ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, बोथ मॉम्स ग्रुप्स हैव टू अंडरस्टैंड के दोनों में से किसी की भी जिंदगी आसान नहीं है. जिंदगी आसान है ही नहीं. हर फैसले के साथ अपने सेट ऑफ चैलेंजेस आते हैं, हर फैमिली फैसले के साथ अपने सेट ऑफ चैलेंजेस आते हैं. तो जस्ट बी काइंड टू ईच अदर. बिल्कुल, ये इतना तुमने अच्छा पॉइंट किया कि जब तक ये दो ग्रुप्स आपस में लड़ते रहेंगे ना, एंड सो पहली बात ये है कि एक तो मेक पीस विद योर डिसीजन बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर मदर. ठीक है, तो अगर आपने ये फैसला किया है या तो काम करने का या आपने फैसला किया है घर पर रहने का, हम इस वक्त ज्यादा उन माओं की बात करें जिन लोगों के पूरे दिन करती गाँव घर पर रहने वाले माओं की बात करें, तो फील गुड अबाउट योर सेल्फ बट लाइक बट अपने आप को किसी दूसरी माँ से कंपेयर ना करें. अपनी डिसीजन को अपने पर्सनल सर्कमस्टांसिस में देखें. और मैं हमेशा जब भी अगर कोई आता है ना और बात करता है कि अच्छा ये जैसे सदम ने कहा इससे हम भी गुजरे हैं, इस पॉइंट इस बिल्कुल इस जर्नी से हम भी गुजरे हैं, और उस वक्त आप बड़े कंफ्यूज होते हो कि तो कई दफा यू नो आप दूसरों से बात करते हो ये देखते हो, तो हर एक के सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस को देखकर डिसीजन जो आपकी होती है इन द एंड वो आपकी फैमिली की बहुत पर्सनल डिसीजन होती है. आप इस बात को जो आजकल की इकोनॉमिक रियलिटी है उसके लिहाज से अगर एक पेरेंट कैन अफोर्ड टू स्टे एट होम व्हाइल द अदर इज वर्किंग, दिस इन इटसेल्फ इज अ लग्जरी. दिस इज अ लग्जरी फॉर योर फैमिली. आई वाज रीडिंग दिस रिपोर्ट के मेन हु डू बेटर एट वर्क इज बिकॉज दे हैव वाइव्स एट होम टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स एट होम. सो यू नो उसकी वजह से उनको ये फिक्र नहीं होती कि वो मुझे बच्चे की अपॉइंटमेंट के लिए भागना है. दे आर एबल टू स्टे लेट फॉर नेटवर्किंग इवेंट्स. सो एक जो जो पेरेंट है जो घर पर रह रहा है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो फाइनेंशियल एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस नहीं है, लेकिन उसकी एक जो फैमिली को वो और बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं. एंड दिस डिसीजन यू डोंट नीड किसी एक किसी की तरफ से अवार्ड लेने के बारे में छोड़ दें. होता क्या है जब आप स्कूल में होते हैं या आप ऑफिस में होते हैं तो आपको एक बड़ी रेगुलर जो है ना अपने बारे में ना फीडबैक रिपोर्ट मिलती है कि आज आपने बड़ा अच्छा काम किया. डांटे भी पड़ती हैं बट एक फीडबैक मिलती है. तो यू नो एज ह्यूमंस हम सीक करते हैं कि है कहीं बच्चा तो आपको फीडबैक देने से रहा, ठीक है ना, ना आपका मियाँ आपको देगा. तो फिर आप ना वो खुद फीडबैक और वैलिडेशन सर्च करते हैं किसी गाकर कहीं चैट में जाकर कोई अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है किसी फेसबुक के ग्रुप में तो वहाँ जाकर जल्दी जल्दी फीडबैक दे दी अपने. यू नो घर पे ही रहना ठीक है, ये जो माएँ काम करती हैं गलत करती हैं. दूसरा कन्वर्सली वो दूसरा ग्रुप भी हो सकता है. जैसे सदर ने कहा अगर किसी माँ को गिल्ट है सो हाउ डज शी ओवर राइड दैट गिल्ट. वो किसी एक स्टे आउट हो मॉम को यू नो सर शी पुट डाउन लाइक तुम पूरे दिन करती क्या हो, मैं तो जो तुम सारा दिन काम करती हो मैं तो ऑफिस से आकर मैं यू नो दो मिनट में वो कर लेती हूँ, तुम करती क्या. ऐसे ना करें. हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, हर एक के चैलेंजेस डिफरेंट हैं. जस्ट बी काइंड, बी टॉलरेंट. अगर आपसे कोई आपके सामने अगर कोई माँ ये बात कर रही है कि हाँ मैं जॉब करती हूँ, मैं अभी ट्रिप पे गई, मैं ये की, यू कैन लिसन टू हर कॉन्वर्सेशन, यू कैन अप्रिशिएट हर विदाउट रेजिंग अ क्वेश्चन ऑन योर रोल. यू नो यू कैन बी टोटली एट पीस विद योरसेल्फ. फौरन उसको अपने से कंपेयर ना करने लगे या ये ना सोचने लगे कि ये तो मुझ पे तंज मार रही है या ये मुझ पे ये कर रही है. आराम से उसकी कॉन्वर्सेशन सुने, उसको अप्रिशिएट करें. यू डोंट हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ के ओ हाँ मेरा तो अपने बच्चे के बारे में नहीं. जस्ट बी एट पीस विद योरसेल्फ एंड एज सदफ सेड के रियलाइज करें. कई दफ़ा होगा हम सब ह्यूमंस हैं, आप ट्रिगर होते हो किसी चीज़ से. कई दफ़ा आप फेसबुक पे कोई कॉन्वर्सेशन देखोगे किसी ग्रुप में और आप एकदम से ट्रिगर होगे. Be very aware of those triggers and see के मुझे इस चीज़ ने trigger क्यों किया और अपने internal अपने ऊपर काम करें. जितनी जल्दी आप ये अपने ऊपर काम कर लेंगे आपकी ज़िंदगी में चैन आ जाए. अच्छा दवानी, मुझे लगता है कि ये सवाल से डील करने के लिए ना कि तुम सारा दिन करती क्या हो, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ कि मुझे ये बात बताती है कि मैं जो हूँ एट द कोर ऑफ दिस ऑफ द रीज़न वाई आई मैन मुझे ताकि मैं जॉब नहीं करनी जब तक मेरे बच्चे फुल टाइम स्कूल नहीं जाते. इट्स बिकॉज मुझे मैं आई कुड आई ट्राइड एंड आई जस्ट कुड नॉट लिव विद द गिल्ट. मुझसे नहीं होता था. मैं एक अनहैप्पी मैं एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय थी बट मैं एक बहुत इंटरनली अनहैप्पी थी और मुझे लगता था कि मैं बहुत ही ना दोगलीबाज जिंदगी गुजार रही हूँ. बिकॉज एट वर्क आई वॉज ऑफकोर्स ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड ऑफकोर्स आई वॉज मेरा दिमाग इस्तेमाल कर रहा था. आई वॉज प्रोफेशनली हैप्पी बट इंटरनली मैं बहुत मिजरेबल थी.
तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेरे एक्सपीरियंस में मेरे व्हाट हेल्प मी वाज कि मैंने कहा कि बस हो चुकी थी, बस हर चीज, हर कैंसिल एवरी नॉइज, अपने आप से एक दिन खाली कमरे में बैठ के पूछा। बाय द वे इफ यू हैव सीन ऑल आवर वीडियोस यू वुड सी कि मैं बहुत बड़ी प्रोपोनेंट हूँ इंट्रोस्पेक्शन की, थोड़े अकेले रहने की, अपने आप को पहचानने की, अपने आप से बात करने की, बिकॉज मुझे लगता है कि ग्रोथ ओनली एंड ओनली हैपेंस व्हेन यू आर विद योरसेल्फ, यू कैन नॉट ग्रो इन नॉइज, दिस इज व्हाट आई बिलीव। ठीक है, तो एक दिन कमरा बंद करें और अपने आप से सिर्फ पूछें कि मैं चाहती क्या हूँ, बट बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। मुझे ये था कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, हज़ार मसले हैं कि मुझे अपनी अम्मी और लोगों को भी खुश करना है, मेरे क्लास फेलोज की भी मुझसे एक्सपेक्टेशन है, मैं पैसा भी लेके आ रही हूँ तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेहतर है, मगर फिर भी मैं अनहैप्पी हूँ। तो मुझे एट द कोर ऑफ द माई अनहैप्पीनेस वॉज कि मुझे घर रहना है अपने बच्चे के साथ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दिस विल मेक मी हैप्पी, तो करना क्या होगा। सबसे बड़ा मुझे लगता है 75% ऑफ मेरा प्रॉब्लम उस वक्त सॉल्व हुआ जब मैंने अपने आप को ये फैसला किया कि अब मैं सबसे बेनियाज हो जाऊंगी, बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बड़ी अपने घर वालों के लिए डिसअपॉइंटमेंट हूँ या अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी। बिकॉज उस वक्त एक अच्छी बेटी, उस वक्त मेरी लाइफ का वो सीज़न था जब मैं एक बेटी थी, और अच्छी बेटी होने का मतलब ये था कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करूँ। लेकिन अब तो मैंने बच्चे पैदा कर लिए ना, मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनी वेज, इन एक्चुअली ऑल द वेज, इवन अगर इस्लामी तरीके से देखा जाए तो औरतों को तो यह है कि भाई दूध पिलाने के लिए भी अगर कोई नर्स रख लो ना तो उसको उजरत दे दो, दूध भी ना पिलाओ, बच्चे की सिर्फ तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं एट द कोर ऑफ माई लाइफ आई वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई चिल्ड्रन, एट सर्टन पॉइंट्स आई एम नॉट इवन रिस्पॉन्सिबल टू कीप अप द एंड द होप्स द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स अलाइव। अब उस बच्चे की तरबियत के लिए और अपना गिल मिटाने के लिए मैंने कहा कि मुझे सबसे बेनियाज होना है। अगर मुझे अपने घर वालों को डिसअपॉइंट करना पड़ेगा कि ओ तुम पढ़ लिख के इतनी फीस दे के नौकरी करके तुम बैठ गई, अपने दोस्तों को सबको, तो इट्स ओके, इट इज़ ओके टू डिसअपॉइंट पीपल, आई कैन नॉट प्लीज एनीबडी। मैंने सबको खुश करना छोड़ दिया, ठीक है, बट यू नीड टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन विद योर हस्बैंड कि जब अगर मैं घर बैठूंगी इतने पैसे का नुकसान होगा तो क्या सिचुएशन है, कैन वी मैनेज, एंड क्या हमें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे, आर वी स्टिल सेविंग, डू वी हैव अ रेनी डे फंड, वॉट आर द थिंग्स वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर। एंड ऑफकोर्स लॉस ऑफ लाइफ स्टाइल बहुत पेनफुल होता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि कितना पेनफुल होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्रेरी है, एट दिस पॉइंट ये कुर्बानी ज़रूरी है। जब मेरे बच्चे स्कूल गए मैंने वापस जॉब करना शुरू कर दी, जो भी पैसा कमा रही थी वो वापस आना शुरू हुआ, जो हमारा दिल चाहता था हम खरीदते थे, खाते थे, पीते थे, उड़ते थे। तो बेसिकली अपने आप को लोगों से बेनियाज कर लें, सिर्फ अब फोकस करें, फोकस करें, मैंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे पे ध्यान देना है, एंड दैट ये मेरी ज़िंदगी के जो साल हैं मुझसे ज़िंदगी की ये रिक्वायरमेंट है, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मुझे लगता है मेरे गिल्ड एक आर्मर बिल्ड हो गया, तो मुझे किसी के टॉन्ट से, किसी के ये इस बात से कि ओ हो तुमने तो एडिशनल मैथ्स में 95% लेके आई थी ओ लेवल्स में, बस पढ़ी भी है अब ट्रांसक्रिप्ट, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की अचीवमेंट थी, अब की अचीवमेंट फ़र्क है। तो इस किस्म की बातें जो है ना वो उनसे आप बेनियाज हो जाएं, और आप यकीन करें कि इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है, ये सालों सालों की प्रैक्टिस है। इसका मतलब आप अपनी पूरी की पूरी थिंकिंग प्रोसेस ओवरहॉल कर रहे हैं, किसी भी सोसाइटी के तानों से या अपने लव्ड वन की एक्सपेक्टेशन से या अपने इर्द गिर्द लोगों की तरक्की से बेनियाज होना आसान नहीं है। यकीन करें मैं कितने जब लोगों की इंस्टाग्राम पे अपनी वही क्लास फेलो जो मेरे साथ थे मैं देखती थी कोई डायरेक्टर बन गया, कोई ये बन गया, इट यूज़ टू हिट मी कि अगर मैंने नौकरी नहीं छोड़ी होती मैं भी आज ये होती, राइट। या मेरी जो दोस्त हैं उन जो घर बनाए, कोई एग्जॉटिक वेकेशन पे जा रहा है, क्योंकि बच्चे इतने महंगे महंगे कैंप कर रहे हैं, जो एट दैट पॉइंट हमारे लिए सिंगल इनकम फैमिली पे दो बच्चों को ऐसे कैंप्स में डालना वॉज नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी। मगर बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे अपने माइंड को रीट्रेन करना पड़ा टू कंटिन्यूसली लुक एट माई लाइफ एज ग्लास हाफ फुल, क्योंकि मैंने ये देखा कि जब तक मैं किसी ना किसी चीज़ की जस्तजू में पड़ी हुई थी, एंड आई वॉज ट्राइंग टू हैव इट ऑल कि मैं मेरा घर भी सजा हुआ हो और खाना भी पके और बच्चे स्कूल भी जाएं और मैं स्कूल में वॉलंटियर भी करूं, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाऊं, मगर मैं जॉब भी करूं, मगर मैं जॉब में अच्छा भी करूं,
आई वॉज स्ट्रेच सो थिन, मैं हर वक्त किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रही थी. जब आप हर वक्त जस्तुजू में लगे रहते हैं ना, तो आपके पास सामने हमेशा एक गोल होता है, कोई चीज चाहिए होती है, विच मीन्स यू आर ऑलवेज ऑलवेज लुकिंग एट द ग्लासेस हाफ एम्प्टी, और वो ऑलवेज ऑलवेज आपके अंदर एक एम्प्टीनेस और अनहैप्पीनेस क्रिएट करेगा. तो मेरी इतनी बस हो चुकी हुई थी इस किस्म की दौड़ से कि मैंने सोचा बस आई विल लर्न टू बी ग्रेटफुल, आई विल लर्न टू से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर व्हाट आई हैव. जैसे ही मैंने अपने दिमाग का स्विच बदला ना, तो मुझे किसी के सवाल से फर्क ही नहीं पड़ता. तुमने तो अपनी जिंदगी जाया कर दी, तुमने अपना जहन जाया कर दिया, लोगों के तो एडमिशन नहीं होते. बार बार मुझे सुनने को मिलता है कि भाई 5000 लोग एडमिशन टेस्ट में बैठे थे, उसमें से 200 लोग हुए थे सिर्फ, उन 200 में एक ये भी थी. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट कि अल्लाह ने इतना अच्छा जहन दिया, हम अल्लाह ने वो अपॉर्चुनिटीज दी. हाँ, बहुत लोग हैं जो ऐसी लाइफ नहीं गुजारते, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. जब आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करेंगे, यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बरकत देखी है. मुझे लोगों के ये तुम करते क्या हो सारा दिन, ये तुम अपने आप को ज़ाया करे हो, मुझे चुपता नहीं था, ठीक है. या फिर मुझे लगता था कि जो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह वो कितनी हैप्पीनेस है, मैं बहुत खुश रहती थी. दूसरों की तरक्की मुझे ऐसे जाके हिट ठा करके हिट नहीं करती थी कि और मैं कि मैं बार बार ये सोचूं कि मेरी ज़िंदगी का फैसला सही है कि नहीं है, ये मैंने क्या किया. अब पछतावा भी हो रहा है, मगर खिंच भी रहे कि अगर ऑफिस भी जाएंगे तो बच्चा भी रह जाएगा. बेसिकली जब से मैंने अपने आप को बेन्यास किया ना, मुझे तो लगता है मेरे ऊपर से जैसे कंधों पर से कितना बोझ हट गया. मैंने खुश रहना शुरू किया, और जब मैंने ये एक्सेप्ट किया ना कि मेरे काम, मेरी वैल्यू है, मेरे काम की वैल्यू है, इस घर को चलाना बहुत मुश्किल काम है, मुझे लगा कि जैसे मेरे भी घर के माहौल में बहुत पॉजिटिविटी आई है. बिकॉज औरत के मूड से ना पूरे घर का माहौल, घर का डिपेंड करता है. अगर आप साड़ी बैठे रहोगे, आपके बच्चे भी घबराए होंगे, आपके मियाँ भी साड़े होंगे, पूछेंगे भाई क्या हो गया क्या हो गया. मुझे लगा जिस तरह मेरे जहन पे से जब ये बोझ हटा ना, तो मुझे लगा कि आई जस्ट बिकेम अ बेटर मदर. इट वॉज I was more present in the moment. Having less financial resources didn't matter to me because मैं continuously glass half full में वो देख रही थी कि मेरे पास क्या है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही थी. पर किसी का वो भी कि ओ तुमने अप्लाई किया, तुमने नहीं किया, तुम क्यों नहीं सोचती, तुम्हारा क्या होगा, तुम अपनी ज़िंदगी ज़ाहिर कर दोगी, इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. बिकॉज ये ऊपर ऊपर की ज़ाहिरी बातें थी. इन माई दिल एंड दिमाग आई हैड अ प्लान एंड आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग. That's a great point. And then I would also say that then work on your own life, right? So, kya cheeze aapki life ko behtar karti hai? Have a schedule, right? Ye na kare ki oh mujhe to subah office nahi jana, to raaton ko der der tak jaag rahe, you know. Just, you know, have a schedule. Wake up in the morning, bachcho ke saath, you know, jab bachche, you know, the kids are off to school, uske baad, you know, have a plan. Kai dafa ye hota hai, a lot of people, you know, who are homemakers, wo keh dete hain ki oh main to haan main aa jaungi, you know, just don't be available is tarah logon ko readily. Give respect to your own schedule ke maine kya kya karna hai, kyunki if you decide to spend your day productively to aapke time ke andar aapko bada acche productive tarike se aapka din guzrega aur you will feel good about yourself. Agar if your day is all over the place then you will not also feel good, you will feel maine kya kiya, you know. So make things like acha aaj maine grocery karni hai, aaj hi maine khana banana hai, aaj hamara ye meal plan hai, ha aaj maine doston ke sath ghumne jana hai. Log karte hain, you know, jab log jo kaam pe bhi jate hain, you know, they go on lunch, so don't feel guilty about it that if you take your children on a play date or you take your children to the playground or you go on a lunch or a brunch with your friends, don't feel guilty about it. That is aapka सोशल जो है, आप उसको पूरा करें क्वेश्चन को. और डोंट बी लाइक हर वक्त लोगों के लिए इस तरह ना अवेलेबल हो जाए, हाँ मैं तो कुछ करती नहीं. नो, यू हैव अ स्केड्यूल. से आई विल यू नो, मैं देखती हूँ कि आज मेरे प्लान में ये चीज़ कहाँ फिट इन होती है. तो यू विल रियलाइज कि जब आप अपने टाइम को रिस्पेक्ट देंगे, बिकॉज ये कहाँ से आती है सिचुएशन जब आप कहते हैं लोगों के लिए हाँ मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल, बिकॉज यू डोंट रिस्पेक्ट योर ओन टाइम. तो आप जब अपने टाइम को रिस्पेक्ट करेंगे और अपने दिमाग को कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करें, पॉडकास्ट सुने, किताबें पढ़ें, कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स कर लें. आजकल तो इतने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं. अगर आप कोई चीज़ थी जिस पर आप जिंदगी में काम करना चाहती थी या आप लेटर एम्प्लॉयबल होना चाहती हैं, यू नो यू कैन वर्क ऑन दैट. वंस यू डिसाइड के यू मेक पीस विद दैट फेज ऑफ योर लाइफ, देन सडनली यू विल फाइंड दैट यू विल स्टार्ट इंजॉइंग थिंग्स अगेन. मगर अपने दिमाग को और अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट दें और उसको नरिश करें. अच्छा, इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे जो स्टेट होम मम्स, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी जो ना खुद बहुत मुश्किल करती हैं. फॉर एग्जांपल, आजकल के ज़माने में ना ज़िंदगी ज़ाया करना बहुत आसान है. आप इंस्टाग्राम खोल के बैठे हैं, 2 घंटे कहाँ गए आपको पता नहीं चलता. एंड दैट इज़ ट्रूली नॉन प्रोडक्टिव. ना घर का कोई काम हुआ है, ना आपका दिमाग में कोई एडिशन हुई है, ना आप में कोई वैल्यू एडिशन हुई है, कुछ भी नहीं है, और बस आपकी ज़िंदगी का टाइम चला गया. और ऐसे तो ज़िंदगी ज़ाया करना बहुत ही आसान है.
द थिंग इज कि जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक इनवर्ड्स एंड एक्चुअली नोबडी नोस अबाउट इट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे फ्रेंड्स भी ये बात जानते हैं मेरे बारे में, दैट आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट वेस्ट माई सेल्फ. ओके, बींग अ होम मेकर डज नॉट मीन दैट आई एम गोइंग टू वेस्ट माई सेल्फ. सो आई वॉज वेरी कंसर्न कि अगर मेरे दिमाग, अगर मैं ऑफिस में प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा रही हूँ और मेरा ये वाला पार्ट ऑफ द ब्रेन नहीं यूज हो रहा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं वेजिटेबल बन जाऊँ. सो आई एक्चुअली लुक्ड अप अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू कीप योर ब्रेन हेल्थी एंड एक्चुअली एंटी एजिंग. तो कोई भी ऐसी चीज है ना जिसमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज दैट रिक्वायर यू टू यूज बोथ योर हैंड्स टुगेदर, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमारे घर में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो है वो पियानो नहीं था, तो जब मेरे बेटे ने पियानो खरीदा तो जब वो लोग स्कूल जाते थे मैं घंटों घंटों लगा के पियानो बजाना सीखती थी. एंड इतना मुश्किल काम है जिसे कोई हद नहीं, बिकॉज इट रिक्वायर्स यू टू यूज बोथ योर हैंड्स टुगेदर. और एक एक शीट, अगर आप फॉर रिलीज तो छोड़ें, अगर आप सिर्फ हैप्पी बर्थडे सही से बजाना चाहते हैं ना पियानो पे, बहुत टाइम लगेगा आपको, बिकॉज यू हैव टू यूज बोथ हैंड्स टुगेदर. इट वॉज अ न्यू स्किल फॉर मी. मैं अब ये नोबडी नोज अबाउट इट, कोई नहीं देख रहा, बस आप हैं घर में. इंटरनल हैप्पीनेस अचीवमेंट है, आप कुछ आप क्विज हो रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप फेल कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यू डोंट फील लाइक अ फेलियर. ऑफकोर्स हर किसी के घर में पियानो नहीं था. जब तक मेरे घर में पियानो नहीं था मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये निटिंग इज अ थिंग. निटिंग मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुई क्योंकि मैं आई डिडंट हैव अ पर्सन हु वुड टीच मी इन पर्सन. मैं यूट्यूब से कोशिश करती थी. अगेन रिक्वायर्स बोथ हैंड्स एट द सेम टाइम. फिर हाँ, उसके बाद फिर देंगे कि यू नीड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज. के आप स्ट्रगल करें, यू मेक कॉन्वर्सेशन, ठीक है, एक के बाद एक के बाद लेवल होता है. अच्छा, मैं ये बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि बहुत सी औरतों को, जब और मैं भी उन औरतों में से थी, कि जब आप मशवरे देते ना कि ओ व्हाई डोंट यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, यू लर्न टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, तो कहते हैं क्या ये सब किताबी बातें, ये तो मूवीज में नेटफ्लिक्स में होता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता. एंड आई वॉज वन ऑफ देम अंटिल आई एक्चुअली स्टार्टेड अप्लाइंग इट इन माई लाइफ एंड आई रियलाइज कि इनसे मैं कितना जॉय डिराइव कर सकती हूँ. ये वो चीज़ें हैं जो मेरे मियाँ को खबर नहीं, मेरे बच्चों को खबर नहीं, मेरे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को नहीं खबर खबर, जो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ. एंड इट मेक्स मी फील कि मैं इस जब अपना घर भी चला रही हूँ तो मैं अपने लिए भी कुछ कर रही हूँ, तो मैं अनहैप्पी नहीं हूँ. बिकॉज अगेन आप हजार दफा किताबों में पढ़ेंगे कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, मगर आपको समझ नहीं आता कि इस बात का मतलब क्या है. कि डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, सेल्फ केयर, सेल्फ केयर. मुझे लगता था सेल्फ केयर का मतलब होता है कि बहुत ही भाई पैसा चाहिए, एक्स्ट्रावेगेंट होना चाहिए, किसी महंगे से स्पा में जाके लेट जाएं, कोई आपका मसाज करें, फेशियल कराएं. एंड नोबडी गॉट द टाइम फॉर इट, एंड नोबडी गॉट द मनी फॉर इट. देन आई रियलाइज कि सेल्फ केयर जो है वो कोई अच्छा किताब पढ़ने से होती है, कोई रिलीजियस लेक्चर सुनने से होती है, जिनके कोई पैसा नहीं है. मैनी टाइम्स एक्चुअली जब मैंने सब अगर अपनी नेल पॉलिश ही लगा रही तो वो सेल्फ केयर था, बिकॉज किसी को नहीं पता था. लेकिन जब मेरी नज़र मेरे अपने नाखूनों पर पड़ती थी मैं खुश हो जाती थी कि वाह क्या मेरे पैर लग रहे हैं. दैट इज ए बिल्कुल फ्री सेल्फ केयर है. मगर इसके लिए ना जहनी स्विच चाहिए कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ और मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दूंगी. ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये बात समझे, और आप भी ये बात समझें कि हर किसी को गालियाँ पड़ती हैं. भाई कोई प्राइम मिनिस्टर बनाए लोग उसको थूथू कर रहे हैं, कोई सिंगर बनाए लोग उसको थूथू कर रहे हैं, जो बैंक में काम करता है एक ग्रुप है जो उस पर फटका लगा रहा है कि भाई तेरी तो कमाई हराम की है, ठीक है. अच्छा जो भी है ना, कोई भी एक बंदा है उससे दुनिया राजी तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं. उसके अगर 100 सपोर्टर्स हैं तो उसके 200 हेटर्स भी हैं. मगर क्या लोग क्या करते हैं, कोई इलेक्शन में खड़ा होना छोड़ देते हैं, क्या बैंक की नौकरियां छोड़ देते हैं, क्या फुटबॉलर नहीं बनते, क्या गाना गाना छोड़ देते हैं. नो, यू हैव टू कीप डायरेक्शन. लोगों की बातों पर अगर आप चलने लगे ना तो गेम ओवर है. तो कोई और आई नो कि ये बहुत हर्ट करता है कि अगर आप जिस लड़की ने सवाल पूछा उसने बोला कि मेरा मियाँ ये बोलता है, तो अगर आप सब कुछ इतना करें घर चलाएं और इतनी दिन को रात सारा दिन के बाद थकी हो और आपको लगे कि अरे इस काम का कोई रिटर्न नहीं है, कि मुझे कोई ये समझते नहीं, इन्होंने जाके फौरन कह दिया ऐसा टक्का सा कि तुम सारा दिन करती क्या हो, मेरे काम की वैल्यू नहीं है, तो आप समझे कि ये भी आपकी मियाँ के लिए एक लर्निंग कर्व है. बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम यू. अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें. कभी बातों में बोले क्या भाई नहीं है खाना, अब अपना खाना खूब बताओ. जिस दिन मेरे मियाँ ने पहली दफा सालन पकाया उनको लग पता गया कि सालन पकाना कितना मुश्किल है. और फनी बात यह कि मैं उनको कभी ये भूलने नहीं देती कि वो सालन बाद में अगले दिन खुद खाने को तैयार नहीं थे. तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफी की वो बात याद आई कि दोजख में औरतों को उनके पके हुए सालन खुद जबरदस्ती खिलाए जाएंगे. तो मैंने उनसे कहा कि देखो तुम कि नाउ तुम्हें कदर भी मेरे खाना पकाने की, राइट. या ये कि आप जिस दिन आप चार दिन इन
रो लेट होंगे, बच्चे की रिपोर्ट कार्ड पे बात आएगी, आपके मियाँ बोलेंगे कि हैं ये क्या हो रहा है, बच्चे की रिपोर्ट कार्ड खराब हो रही है। छोटी छोटी चीजों से ओवर टाइम, किसी को ओवर नाइट अकल नहीं आ जाएगी कि अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है। विद टाइम थोड़ा 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 एहसास ऐसे दिलाना जो एहसान जताना ना हो, एहसास दिलाने से ही बात समझ आती है। इट्स अ जर्नी, इट टेक्स टाइम, बट फर्स्ट स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। एंड जैसे सदफ ने कहा ना कि फाइन थिंग्स विच आर जॉय स्टार्टर्स हैं, जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है। एक और यू नो एज ह्यूमंस हमें ऑलवेज व्हेन वी गिव बैक टू द कम्युनिटी हमें उससे बड़ी अच्छा यू नो आपको यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। सो आप वॉलंटियर कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, राइट, अपने बच्चों के स्कूल में वॉलंटियर कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग आई फील के जो हम लोग इमिग्रेंट्स हैं बहुत कम कम्युनिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और यहाँ नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी में बहुत ज्यादा वॉलंटियरिज्म की बहुत वैल्यू किया जाता है कैनेडा के अंदर। तो आप अपनी कम्युनिटी में वॉलंटियर कर सकते हैं, बच्चों के स्कूल में वॉलंटियर कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको यू नो यू विल गेट फीडबैक, आपकी लोगों से इंटरेक्शन होगा, यू विल फील लाइक यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, राइट। बट दीज आर, वो कहते हैं ना कि वॉलंटियर को तो कभी भी पे नहीं कर सकते बिकॉज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज प्राइसलेस, एंड यू नो यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सो वो चीजें, मे बी दैट इज नॉट फॉर यू, बट वो चीजें, मुझे किताबें सुनने से बहुत मजा आता है, मुझे आई लव लिसनिंग टू बुक्स। सो लिबी की ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लें, दुनिया जहां की किताबें आप पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं ना जो बंदा किताब नहीं पढ़ता वो सिर्फ एक दफा जीता है, और जो किताब पढ़ता है वो हजार जिंदगियां जीता है। तो आपको कई दफा किसी चीज का एक्सपीरियंस होगा, कई दफा किसी चीज का एक्सपीरियंस होगा, आपकी दुनिया ही और हो जाएगी, आपका दिमाग एक डिफरेंट लेवल के ऊपर जाएगा। तो ऐसी चीजें कंज्यूम करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। ये हर एक के लिए डिफरेंट हो सकती है चीज। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप गार्डनिंग करें, यू नो, जो जिस चीज से आपको खुशी होती है। जैसे सदर ने कहा लैंग्वेज सीख लें, कोई ऐसी चीज थी जो आप सारी जिंदगी करना चाहते थे और आपके पास उसका टाइम नहीं था। हाथों से कुछ लोगों को काम करने से खुशी होती है, तो यू नो रिसर्च अबाउट इट, देखें कि आपको किस चीज से खुशी होती है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल को सबसे पहले आप अपने अंदर यू नो मेक इंटरनल पीस विद योरसेल्फ। एंड जैसे सदफ ने कहा कि लोगों की बातों पर तो अगर दुनिया चलने लगे तो कोई कुछ ना करे, हर कोई घर पर बैठ जाए, क्योंकि हर एक को दुनिया जहाँ जो है गालियाँ देते हैं, तो वो तो दुनिया की बातों पर तो ना वो करें। यू नो यू जस्ट हैव टू यू नो पुट योर चिन अप एंड यू नो यू हैव टू डू What you have to do, और ये बात का बहुत ख्याल रखिए कि अब आप एक एडल्ट हैं, अब आप एक छोटा बच्चा नहीं है जिसको अम्मी अब्बू की डायरेक्शन चाहिए या बहन भाइयों का अप्रूवल चाहिए या टीचर की मर्जी से चलना है, अब आप एक एडल्ट हैं। गेस वॉट, एज एन एडल्ट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट इट ऑल्सो गिव्स यू अ सर्टेन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस। जब तक आप वो इंडिपेंडेंस खुद नहीं रियलाइज करेंगे ना, सबसे अच्छा सवाल जो है ना आप अपने आप से पूछिए, व्हाट स्टॉपिंग मी, एंड देन यू विल रियलाइज कि रियली व्हाट स्टॉपिंग मी, इस चीज को करने से मुझे कौन रोक रहा है। जो आपको आएगा ना ये चीजें, यू विल रियलाइज कि ये तो बस ख्यालात हैं। डोंट फाइट विद योर सेल्फ, यू नो रियलाइज कि इस चीज को मुझे करने से कौन रोक रहा है। अ लॉट ऑफ टाइम्स आई सदफ सेड कि ये हमारे सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज होते हैं कि ओ ये तो किताबी बात है, ओ ये तो ये, ट्राई तो करें ना, ट्राई तो करें, यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। हां, मतलब जनरली हमारे ख्यालात होते हैं या ये कि हम इनर्शिया में फंसे होते हैं, लाइक हम खुद लेजी हुए होते हैं। बहुत आसान है कि आपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आए और आप एक घंटा सिर्फ इंस्टाग्राम पे लगाए, फिर आप सोचा चलो मैं उठ के चाय पीती हूँ, मैं घर ठीक करती हूँ, चलो आज खाने का क्या, लाइक आप ये सोचें, या ये कि अब कौन उठे, अच्छा कल जाऊंगी, कल कल एप्लीकेशन फिल करूंगी, आज तो बहुत सर्दी है, आज तो बहुत गर्मी है, आज तो फलां से मिलना है, कल जाके पता करूंगी जॉब एप्लीकेशन का, या कंप्यूटर खोल के बैठे कहीं कुछ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कुछ सबमिट करना है, कुछ अपने लिए काम करना है, मगर फिर यूट्यूब खोल के गाने सुनना शुरू हुए, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर गेम खेलने लगे। इनर्शिया और लेजीनेस और इस किस्म की चीजें, प्रोक्रेस्टिनेशन जो आपको रोके जा रही है, तो इसका भी ख्याल रखेंगे किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा। ये बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि आप ये सोचें कि मैं क्यों सेल्फ सेबोटाज में इस तरीके से बिहेव करती हूँ, व्हाई डू आई डू दिस माई सेल्फ। यू ओनली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस, एंड व्हेन यू लुक एट योर सेल्फ आप बहुत ही लोगों से बेनियाज हो जाएंगे। और ये बात अंडरस्टैंड करें कि ये जो हमने अभी बात की मॉम्स के ग्रुप्स की, तो हर कोई जो है ना, हम बहुत ट्रेंड है, जो हम देसी लोग हैं ना, हम लोग क्या कहें में बहुत ट्रेंड है। तो हमें चाहे हम पे खयामत भी गुजर रही हो ना, हमें बहुत ये परफेक्शन की तरह ये आर्ट आता है कि हम दूसरों के सामने अपना बेस्ट फुट रखते हैं और हम सिर्फ हैप्पी दिखते हैं कि हमारे घर में सब अच्छा है, हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत हैप्पी हैं और हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है, अल्लाह का बहुत करम है। तो इस वजह से क्या होता है कि हर किसी को लगता है कि बस हम ही, क्योंकि आपको सिर्फ अपने इंटरनल हालात पता होते हैं ना, दूसरों के घरों में क्या रहो नहीं पता होता, तो आपको लगता है कि हाई बस हम ही मुनाफे के, हम ही हालात के मारे हैं। देखो वो लोग तो कितना खुश लग रहे थे, हर कोई खुश लग रहा होता है, ठीक है। जो बहुत, मैं जाती तौर पे इतनी लड़कियों को जानती हूँ, इतनी औरतों को जानती हूँ
जो वर्किंग मॉम्स हैं, ठीक है, और उन मैं ये बात जानती हूँ कि उनमें कितना, चाहे वो हमारी जनरेशन की हमारी जनरेशन से बड़ी हों, कि उनके पास दिखाने को, बिकॉज दे हैव वर्कड ऑल देयर लाइफ, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, वेकेशन है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके लिए नौकरी करना आसान नहीं थी, उनकी नौकरियाँ मजबूरियाँ थी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग लड़कियों बेचारी को ऐसे शौहर मिलते हैं जो बहुत अच्छे शौहर होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, मगर उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको मॉम गिल्ट होता है, वो कहते हैं कि ओहो ये तो रोता ही है, ढहा जाएगा, ठीक हो जाएगा, या अगर आप ये सोचें कि वो बच्चा बीमार है, या आपको मॉम गिल्ट हिट करे, बहुत दफ़ा ऐसा होता है लोग कहते हैं अच्छा, वो उनको लॉस ऑफ इनकम से वो करते हैं, उनको घबराहट होती है, अच्छा फिर ये वाला फ्लैट बेच दें, ये वाली बुकिंग कैंसिल करा दें, फिर ये चीज़ कैंसिल कर दें, फिर टिकट कैंसिल कर दें, तुम तो बर्न आउट हो रही हो, तुम ऐसा करो 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, अच्छा हम यहाँ घूमने चलते हैं, हम वहाँ घूमने चलते हैं, डिस्ट्रैक्ट करके, एंड देन यू गो ऑन विद लाइफ। एंड एक्चुअली स्टे एट होम मम्स उन लड़कियों बेचारी को लुक डाउन अपॉन कर रही होती हैं, मगर मेनी टाइम्स व्हेन दे आर फीलिंग गिल्टी या दे जेन्युइनली वांट टू क्विट, उनके शौहर ऐसे होते हैं कि वो उनको इनकरेज नहीं करते, उनको सपोर्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि कोई औरत एकदम घर आए, बोले आज अपनी मियाँ को बोले मैंने तो नौकरी छोड़ दी, और इसका मियाँ बोले आ जाओ बस, फिर कल सुबह रात, कल सुबह देर तक सोना, फिर तो चल आज चिल करते हैं, कल सुबह देर तक सोएंगे, ठीक है। ऐसा हर किसी की जिंदगी नहीं होती, बहुत दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे शौहर भी, मोहब्बत करने वाले शौहर भी कुछ मामलों में बहुत शदीद इनफ्लेक्सिबल होते हैं, पैसे के मामले में बहुत मर्द इनफ्लेक्सिबल होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे तो पल जाएंगे, सो व्हाट, व्हाट इज़ द बिग डील, अगर डे केयर जाने, अगर बीमार है, इनको कौन सा याद रहना है, मगर तो बीवियों को सपोर्ट नहीं करते नौकरी छोड़ने में। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो मॉम्स स्टेट होम मॉम्स होती हैं, आप यकीन करें कि आपको क्यों पता होगा, वो आपको क्यों बताएंगी, बहुत दफ़ा किसी का बच्चा जो है उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, कोई बच्चा स्पेशल नीड्स होता है, वो आपको क्यों बताएगा, दे आर यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन देयर हाउस, बट दे नीड टू बी अ स्टेट होम मॉम, ओके। और पूरी, या फिर ऐसा होता है कि उनके अपने पेरेंट्स या फिर उनके कोई इन लॉज ऐसे होते हैं जिनके, जिनको केयर की जरूरत होती है, हर वक्त अकेला नहीं छोड़ सकते घर में, हर वक्त कोई घर में साथ हो तो वो उनका ख्याल करे, और कोई बाहर से कोई लड़की रखना बहुत महंगा पड़ेगा, सो उस लड़की बेचारी ने कुर्बानी दी होती है अपने भी होप्स की, ड्रीम्स की, ख्वाहिशात की। और अगर ये सब एक्सटर्नल हालात भी ना हो, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आदमी, अगर आपको दिख रहा है कि बिल्कुल हट्टी कट्टी ऐसे कोई बीमारी नहीं है, बस घर में बैठी बच्चे पैदा करिए, बट दैट्स नॉट ट्रू। बहुत दफ़ा लोग बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस से डील कर रहे होते हैं, उनके उनके हाथ पैर आपको ठीक लग रहा होता है, उनके बस की बात नहीं होती, उनको एंग्जाइटी होता है, उनको डिप्रेशन होता है, उनको कुछ चीज़ों का PTSD होता है, उनका बहुत बैगेज होता है, एंड दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर देम, कि वो बच्चे भी रेस कर रही होती हैं, वो अपने आप को भी रीबिल्ड कर रही होती हैं, एंड उन उस वक्त इट इज़ जस्ट नॉट, उनके अंदर इतनी जहनी सकत नहीं होती कि वो जाके नौकरियाँ भी करें। तो जब आप किसी को देखते ना, तो हर किसी को देखे ये मत सोचा करें कि वाह भाई इसकी तो ज़िंदगी परफेक्ट है, मियाँ इतना कमाता है तो घर में बैठी हुई है, ये तो दो हाथ से भी उड़ा ले, या किसी को देखे ये मत सोचें कि अरे वाह, जैसे कि बहुत लोग पाकिस्तानी के पेरेंट्स ये करते हैं कि अब वो प्राउड होते हैं कि हाँ भाई देखो हमारी लड़की इतनी बड़ी कंपनी में अफसर लगी है, इसके नीचे 10 मर्द काम करते हैं। भाई यू नो व्हाट, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हर कोई, एवरीबडी इज जंपिंग थ्रू हूप्स इन देयर लाइव्स, यू डोंट नो कि उनके साथ क्या चल रहा है, कि उनका घर रहना मजबूरी है या उनकी नौकरी करना मजबूरी है, आपको नहीं पता। तो इस मुश्किल से ना अपने आप को निकाल लें, देखिए हमेशा समझे कि आपके पास ना एक इतना रिसोर्सेस का ना एक इतना स्टैक है, तो दिमाग भी आपका एक रिसोर्स है, तो आप उस रिसोर्स को कहाँ लगाएंगे, इस बात में फिगर आउट करने में, अच्छा वो क्यों नौकरी कर रही है, तो फिर उसके नौकरी करना उसकी जिम्मेदारी, उसकी जिंदगी है, आपकी, आप अपने रिसोर्सेस को, अपनी लाइफ को, अपने घर वालों को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करें। तो जो जैसे सदत ने कहा कि इतने सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से कोई नौकरी कर रहा हो या ना कर रहा हो, आपका नॉट योर मंकी, लाइक वो कहते हैं नॉट योर सर्कस नॉट योर मंकी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, मेक पीस विद दिस डिसीजन विद योर सेल्फ। एंड जिन्होंने ये सवाल पूछा, यू नो वी रियली अप्रिशिएटेड यू नो कि लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं, हमें बहुत फीडबैक DMs के अंदर आती है, बिकॉज कई दफ़ा जो लोग ये सवाल है वो नहीं पब्लिकली पूछ सकते, कई वजूहत होती है, बिकॉज आपको और लोग जानते हैं, आप ये पब्लिकली ये बात नहीं पोस्ट कर सकते, तो वी रियली रियली अप्रिशिएट एंड वी ऑलवेज ऑलवेज बिल्ड आर those around your questions, so keep them coming, you know, and abhi bhi hame badi request aa rahi hai sada, ek wo jo rishta wali video hai uski ek boy version karne ki एक वीडियो है जिसके लिए मैं और सदब सोच रहे हैं, चलो सदब एंड में उसका जिक्र कर ही देते हैं कि हमें हैलोवीन पे बात करनी चाहिए या नहीं, बहुत लोग बात करते हैं कि क्या है, क्या ये आराम है,
क्या आप चाहते हैं कि हम अपना ओपिनियन इसके ऊपर दें, हमें बहुत डंडे तो नहीं पड़ेंगे। तो अब जो जब इधर तक आ गया इसका मतलब वो तो बड़ा ट्रू यू नो लिसनर है, तो आप हमें बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। हम ये आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन होता है उसको भी हिट कर लें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन आए कि ये वीडियो अपलोड हो गई है। वी रियली रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक, डू कीप योर क्वेश्चंस कमिंग, वी लव आंसरिंग देम। हाँ बिल्कुल, और एंड में यही है कि तुम सारा दिन करती क्या हो, ठीक है? तो आप मुझसे बोले जो मेरा दिल चाहता है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ ये, और यकीन करिए बहुत ही बात है कि मेरा टाइम मेरा है, जो मैं सारा दिन करती क्या हो जो मेरा दिल चाहता है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, मैं वो करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है इन द एंड, जस्ट बी हैप्पी। हाँ, और वो बंदा जो है आगे से वो खुद ही चुप हो जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप अपनी जिंदगी की खुद जिम्मेदारी ले लें ना, अकाउंटेबल ले लें, तो ये 24 आवर्स भी कम है जितने आप काम कर सकते हैं अपनी जिंदगी के साथ, एंड यू आर वेरी लकी दैट यू कैन डू इट। ट्रू, हर किसी को इतनी ऐसी ब्लेस जिंदगी नहीं मिलती कि आप, और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी लोगों में इन द एंड में ये कहूंगी कि किसी के सवाल को ना मैंने दिल पे लेना शुरू कर दिया, मेरी जिंदगी इतनी आसान है, क्योंकि लोग तो वही सवाल पूछते हैं जो चुपता है। तुम नौकरी करती हो, आए हाय बच्चे कौन देखता है, अरे तुम नौकरी नहीं करती, आए हाय पढ़ाई जाए होगी, आए कितने साल हो गए शादी को बच्चा नहीं हुआ, ओ हो बेटा पैदा नहीं हुआ, अच्छा बेटा तुम कैनेडा में रहती हो, ओ हो पीछे माँ बाप अकेले रह गए, ओ हो तुम कैनेडा में रहती हो इतने छोटे घर में तुम्हारे सास ससुर आके तुम्हारे साथ रह गए, ओ हो मियाँ की नौकरी खत्म हो गई, आए हाय मियाँ की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। लोगों ने वही सवाल पूछना है जिससे आपको तकलीफ हो, ये पता नहीं क्या ब्राउन मेंटालिटी है सिख किस्म की। मगर अब आप जो ना सियानी हो जाएं, इम्यून हो जाएं, बिकॉज आप भी एक ब्राउन पर्सन है, इसी कल्चर में बड़ी हुई है, कब तक लोगों की बातों को अपने दिल पे लगने देंगी? तो जब कोई भी मुझसे कहता है ना कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब मैं बच्चा नहीं था तो कहते थे बच्चा नहीं हुआ तो मेरे मियाँ कहते थे आप दुआ करें, इतनी सैड शक्ल बना के कहते थे आप दुआ करें, सामने वाला शर्मिंदा हो जाता था, क्योंकि मेरे बेटा तुम्हारी नौकरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हालात कैसे अल्लाह का करम है, इस किस्म के जवाब देना शुरू करें। कोई पूछे तुम सारा दिन करती क्या हो, जो मेरा दिल चाहता है, लगा बहुत शुक्र है। मतलब आई थिंक वी शुड, इसकी रिक्वेस्ट भी हमें आई है अभी, बल्कि मैंने सदर को वो डीएम फॉरवर्ड किया था, रिक्वेस्ट आई थी कि बाउंड्रीज पे बात करें, एंड आई थिंक दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि हमने इन लॉज से बाउंड्रीज की बात की, बट आई थिंक ये जो सदर बात करी ना ये एक जनरल बाउंड्रीज के सवाल में आ जाता है कि कैसे दूसरों की बाउंड्री को रिस्पेक्ट करें और अपनी बाउंड्री अपने इर्द गिर्द कैसे बिल्ड करें। सदर ने कहा ना कि उसके एक फसील खड़ी हो गई थी, बट वो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटरनल वर्क, सो आई फील लाइक वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट आल्सो। बट सदर थैंक यू सो मच फॉर टाइम दिस, एज हम जब शुरू करते हैं तो फिर हम शुरू ही हो जाते हैं, बट वी रियली अप्रिशिएट यू नो आप लोगों की सपोर्ट, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू कीप शेयरिंग योर फीडबैक, वी रियली रियली टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।